बच्चों के माँ बाप, घर बाहर के बड़े लोग जो उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, चाहें तो उनके जीवन का रुख किसी भी रचनात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। परंतु कभी कभी बच्चों को बड़ों की नासमझी व रूढ़िवादिता का शिकार होना पड़ता है। इन सबसे अलग हटकर बच्चों की एक वो श्रेणी भी है जिन्हें समाज की कोई भी रुकावटें और उपेक्षाएं आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती। यदि उन्हें मौका मिले तो वो कई गुना और आगे बढ़ सकते हैं। आइए देखें कार्यक्रम मैं भी स्कूल जाऊंगी। अरे मणि, तू यहाँ खड़ी तमाशा देख रही है? मैं कब से तुझे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही हूँ और तू यहाँ आकर खड़ी है? मैं अभी अभी तो यहाँ आई हूँ। माँ तुम घर चलो, मैं बस ये प्रार्थना सुन के आती हूँ। बेटी प्रार्थना फिर कभी सुन लेना, अभी तो तू जल्दी से चलकर उपले पात दे। तेरे बापू और चाचा अभी आते होंगे, मुझे उनके लिए खाना भी तो बनाना है। चल। मेरा नाम भी स्कूल में लिखा दो ना, मैं भी पढ़ने जाया करूंगी। अरे आज तुझे नई सड़क क्या सवार हुई? तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? माँ मैं स्कूल में जाकर पढ़ाई करूंगी। बड़ी बेटी तू क्या करेगी पढ़ लिख कर, और फिर तुझे कौन सी नौकरी करनी है? पढ़ाई लिखाई तो लड़कों का काम है, लड़कियों को तो घर का काम काज अच्छी तरह से सीखना चाहिए जिससे वे ससुराल जाकर अच्छी बहू बनकर रह सके। लेकिन गांव की और भी तो लड़कियां स्कूल जाती हैं। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा जा तू, और हाँ मास्टर जी से कह देना मैं स्कूल की फीस का रुपया एक दो दिन में इंतजाम करके भिजवा दूंगी। अच्छा बोलो माँ, मेरा नाम स्कूल में लिखा दोगी ना? मणि बेटी जिद नहीं करते। अच्छा तू खुद ही सोच, अगर तू स्कूल चली जाएगी तो इतने बड़े घर का कामकाज मैं अकेली कैसे करूंगी? क्या बात है शीला, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? बातें क्या हो रही हैं? ये मणि स्कूल जाने की जिद कर रही है। शीला मणि ठीक ही तो कह रही है, मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि इस बार मणि का नाम स्कूल में लिखवा देते हैं, आखिर ये भी तो कुछ पढ़ लिख ले। हाँ भैया, गांव की और भी बच्चियों के स्कूल जाते देखकर आखिर इसका भी तो मन पढ़ने लिखने करता ही होगा ना। लो एक तो ये लड़की सुबह से मेरी जान खा रही है, और अब तुम लोग इसे और बढ़ावा दो। आखिर मैं पूछती हूँ पढ़ लिख कर ये क्या करेगी? आखिर तुम लोग खुद ही सोचो, 5-6 साल बाद इसे ससुराल तो भेज ही दोगे ना, फिर ये कौन सा रहेगी यहाँ हमें कमा कर देने के लिए? शीला पढ़ाई लिखाई सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं की जाती, पढ़ने लिखने से आदमी में समझ बढ़ती है। मेरी समझ में तो बस एक ही बात आती है, दीपू का पढ़ना लिखना तो ठीक है, आखिर वो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, पर ये कौन सा हमारा सहारा बनकर रहेगी यहाँ? अरे भाभी तुम भी कैसी बातें सोच रही हो, आजकल तो लड़कियाँ पढ़ लिख कर लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। हाँ। और अब देखो ना, चाहे सेना में हो चाहे पुलिस में हो, हर जगह लड़कियाँ ही तो काम कर रही हैं। फिर किस बात में हो लड़कों से पीछे? देखो मेरी समझ में जो बात आई मैंने कह दी, अब तुम लोग इस लड़की को चाहे स्कूल भेजो और चाहे विलायत भेजो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। सभी गांव की लड़कियां पढ़ने आती हैं, तू क्यों नहीं आती? माँ स्कूल जाने के लिए मना करती है। लेकिन क्यों? माँ कहती है कि स्कूल जाकर तू क्या करेगी, लड़कियों को पढ़ने लिखने की बजाय घर का कामकाज सीखना चाहिए, क्योंकि उन्हें ससुराल जाकर कामकाज ही तो करना रहता है। और फिर मेरी माँ के पास किताबों और कॉपियों के लिए पैसे भी तो नहीं है। अरे बुद्धू पढ़ने लिखने और घर के काम से क्या मतलब? अच्छा ऐसा कर तू अभी घर जा, कल मैं
स्कूल वाली दीदी को लेकर तेरे घर आऊंगी। दीदी जी तुझे स्कूल जाने के लिए माँ को समझा देगी। अच्छा तू घर जा, मैं भी जा रही हूँ। हरकू भैया, मुझे शिकायत है आपसे। दीदी जी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे गलती नहीं, मुझे मणि को लेके शिकायत है। आप उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते? दीदी जी, अब हम तो भेजना चाहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? अरे दीदी, इनका बस चले तो ये मणि को अभी स्कूल भेज दे, वो तो मैं हूँ जो रोके रहती हूँ। अच्छा अब आप ही बताइए, क्या करेगी मणि स्कूल जाकर? मणि स्कूल जाकर पढ़ेगी लिखेगी और अच्छी बच्ची बनेगी। अरे दीदी, अगर मणि स्कूल चली जाएगी तो इतने बड़े घर का कामकाज मैं अकेली कैसे करूंगी? और फिर पढ़ाई लिखाई तो लड़कों का काम है, लड़कियों को तो घर का कामकाज अच्छी तरह सीखना चाहिए, यही उनकी पढ़ाई लिखाई है। शीला बहन, ये तो तुम बहुत गलत सोचती हो। लड़की लड़कियों के बीच परिवार में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और लड़कियां तो आजकल लड़कों की तरह सारा काम कर लेती हैं, और फिर पढ़ाई तो आजकल बच्चों को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए है, और फिर मणि पढ़ लिख कर तुम्हारे काम में सहायता ही तो करेंगी ना। हाँ दीदी, बात तो आप ठीक कहती हैं, मणि के बापू भी यही कहते हैं, लेकिन मणि की पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग तो दीपू के किताब कापियों के खर्चे से वैसे ही परेशान रहते हैं। शीला बहन, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मणि को स्कूल भेजो, कॉपियों किताबों की जिम्मेदारी मेरी, और नहीं फीस की बात, वो तो इसकी लगनी नहीं। लेकिन दीदी, कुछ चाय पानी तो कर लें आप। आज मंजू के घर भी थोड़ा जाना है। अच्छा मैं चलती हूं। अच्छा दीदी जी। अच्छा दीदी, नमस्ते। नमस्ते। हां मंजू।